हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कमला समझा है क्यों इक्वल टू एन, क्यों चार होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपको ई तो सर आई इक्वल टू होता है क्यों इक्वल टू आई टी होता है वोल्टेज इक्वल टू आई टी होता है डब्ल्यू बल्क निकालना है तो डब्ल्यू टू की हो जाएगा बी इक्वल टू आई आर होता है आर इक्वल टू डी बटे आर होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर हमारा सीरीज में रहेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर एन रहेगा, रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में रहेगा तो क्या हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर एन हो जाएगा। हीट हीट इक्वल टू जाएगा ही आई टी हो जाएगा, एच इक्वल टू आई एस का आर टी हो जाएगा, पावर इक्वल टू डब्ल्यू आई टी हो जाएगा, पावर इक्वल टू ई आई टी होता है। अब देखिए पी इक्वल टू ई आई टी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई इक्वल टू पी टू पी हो जाएगा, पी पी इक्वल टू डी आई हो जाएगा, पी इक्वल टू डी एस बाई आर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है पी इक्वल टू पी मतलब पावर इक्वल टू आई एस का ई टू आर हो जाएगा, ए किलो वाट इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू पावर 6 जूल हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एन, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है आर ओ रेजिस्टिविटी होता है आर इनटू ए बाई एन होता है। अब रेजिस्टेंस और कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस और कांस्टेंट है रो 1 एल 1 ए 1 रो 2 एल 2 ए 2 रो 3 एल 3 एल 3 ऐसा होगा, इसमें रो कांस्टेंट है आर 1 एल 1 ए 1 आर 2 ए 2 एल 2 आर 3 एल 3 एल 3 एरिया कांस्टेंट है रो 1 एल 1 आर 1 रो 2 एल 2 आर 1 का डेटा आपको। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कमला समझा है क्यों इक्वल टू एन, क्यों चार्ज होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपको ई तो सर आई इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है वोल्टेज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी होता है डब्ल्यू बल्क निकालना है तो डब्ल्यू टू की हो जाएगा बी इक्वल टू आई आर होता है आर इक्वल टू डी बटे आर होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर हमारा सीरीज में रहेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर एन रहेगा, रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में रहेगा तो क्या हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर एन हो जाएगा। हीट हीट इक्वल टू जाएगा ही आई टी हो जाएगा, एच इक्वल टू आई एस का आर टी हो जाएगा, पावर इक्वल टू डब्ल्यू आई टी हो जाएगा, पावर इक्वल टू ई आई टी होता है। अब देखिए पी इक्वल टू ई आई टी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई इक्वल टू पी टू पी हो जाएगा, पी पी इक्वल टू डी आई हो जाएगा, पी इक्वल टू डी एस बाई आर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है पी इक्वल टू पी मतलब पावर इक्वल टू हो जाएगा आई एस का ई टू आर हो जाएगा, ए किलो वाट इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू पावर 6 जूल हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एन, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है आर ओ रेजिस्टिविटी होता है आर इनटू ए बाई एन होता है। अब रेजिस्टेंस और कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कांस्टेंट है रो 1 एल 1 ए 1 रो 2 एल 2 ए 2 रो 3 एल 3 एल 3 ऐसा होगा, इसमें रो कांस्टेंट है आर 1 एल 1 ए 1 आर 2 ए 2 एल 2 आर 3 एल 3 एल 3 एरिया कांस्टेंट है रो 1 एल 1 आर 1 रो 2 एल 2 आर 1 का डेटा आपको।